हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 इलस्ट्रेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल 9.1 A structural steel rod has a radius of 10 millimeter. एक स्टील रोड है जिसकी रेडियस आपको दी है 10 मिलीमीटर। पहले तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10^-3 मीटर हो जाएगा, 10^-2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। आपको लेंथ दी हुई है 1 मीटर की, लेंथ कितनी है 1 मीटर। कैलकुलेट और आपको जो फोर्स दिया है वो 100 किलो न्यूटन का है, तो अप्लाइड फोर्स 100 किलो न्यूटन। किलो दैट मींस 10^3 पावर होता है, तो ये हो जाएगा 10^5 न्यूटन। तो कैलकुलेट द स्ट्रेस, फर्स्ट आपको फाइंड करना है स्ट्रेस। तो बहुत ही सिंपल है, आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एफ बाय ए होता है स्ट्रेस का फॉर्मूला, ठीक है। एफ आपके पास है और स्ट्रक्चरल रोड दिया है, तो रोड का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है 10^5, यहाँ पे हो गया 3.14 और आर हमारे पास है 10^-2 का स्क्वायर। सिग्मा इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन करेंगे कैलसी में, तो 3.14 करेंगे 1/3.14, तो आंसर आ रहा है 0.318। ये 10^-4 होगा और यहाँ पे 5 है, तो ओवरऑल कितना बन जाएगा 10^9, कितना होगा 10^9। अभी हम 3.18 लिख सकते हैं, सो दैट सिग्मा 3.18, एक पॉइंट इस साइड पे गया, इसमें माइनस होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो पास का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट। सेकंड आपको पूछा है एलोंगेशन। एलोंगेशन मतलब डेल्टा एल, तो यंग मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला था उसमें एलोंगेशन का एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल था, मतलब एल बाई हम डेल्टा एल लिख सकते, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ बाई ए और एल बाई क्या होगा वाई। अभी आपको स्टील रोड ऐसा बोला है, दैट मीन्स यहाँ पे स्टील का यंग मॉड्यूलस, तो फोर्स तो आपके पास है 10^5। चलो एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर, तो 3.14, अभी डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से 3.14 इंटू कितना होगा 10^-4, राइट। तो ये एरिया हो गया, लेंथ आपको दी हुई है, लेंथ है कितनी, यहाँ पे कैपिटल एल लिख देते हैं, यहाँ पे कैपिटल एल लिया है तो 1 मीटर। और स्टील का यंग मॉड्यूलस आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 239 पे एक टेबल दिया है 9.1, जिसमें आपको जो भी मटेरियल्स है, जो भी सब्सटेंस है, उसके अकॉर्डिंगली उसके यंग मॉड्यूलस आपको दिए, जिसमें से स्टील का जो यंग मॉड्यूलस है वो 2×10^11, याद रखो। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू, ये सब के आप कैलकुलेशन करोगे तो 1.59
इंटू 10^-3 मीटर मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो 1.59 आप इसको मिलीमीटर लिख सकते, राइट। तो एलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ। चलो लास्ट आपको क्या फाइंड करना है, स्ट्रेन फाइंड करना है। चलो तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब एप्साइलॉन डेल्टा एल बाय एल होता है, राइट। चलो डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास है 1.59 मिलीमीटर है, तो 10^-3 होगा, और यहाँ पे एल हमें दिया है 1, तो स्ट्रेन मिलेगा 1.59, 10^-3 है तो उसको मिलीमीटर हम लिख सकते हैं, या तो 10^-3 एज इट इज लिख दो मिलीमीटर। एक्चुअल में यहाँ पे नहीं लिखेंगे बिकॉज ये जो स्ट्रेन है वो डायमेंशन लेस है और यूनिट लेस है, तो उसका कोई यूनिट नहीं आता है। डेल्टा एल का मीटर होगा ए बी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर इतना ही मिलेगा, राइट, 1.59। चलो एग्जाम्पल नंबर 9.2। एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ, एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ है 2.2 मीटर एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर। तो कॉपर वायर की लेंथ आपको दी है, LC मतलब कॉपर वायर की लेंथ 2.2 मीटर, स्टील वायर ऑफ लेंथ मतलब LS आपको दिया है 1.6 मीटर, राइट। बोथ हैविंग द डायमीटर 3 मिलीमीटर। देखो कॉपर का डायमीटर और स्टील का डायमीटर दोनों का 3 मिलीमीटर है, तो दोनों की रेडियस मतलब RC और RS 1.5 मिलीमीटर होगा, इससे हाफ हो जाएगा रेडियस। आर कनेक्टेड एंड टू एंड व्हेन स्ट्रेस बाय अ लोड द नेट एलोंगेशन इज फाउंड टू बी 0.7 मिलीमीटर। नेट एलोंगेशन मतलब दोनों का सम, तो कॉपर का एलोंगेशन कॉपर वायर का और स्टील वायर का एलोंगेशन आपको 0.70 मिलीमीटर दिया है। ऑब्टेन द लोड अप्लाइड, इसमें जो लोड हम अप्लाइड कर रहे हैं जिसको हम W नाम दे दें वो हमें फाइंड करना है, राइट। चलो तो सबसे फर्स्ट तो कैलकुलेशन करते हैं कि यहाँ पे देखो कॉपर एंड स्टील वायर्स आर अंडर टेंसाइल स्ट्रेस बिकॉज दे हैव सेम टेंशन एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल वी हैव स्ट्रेस। तो अगर स्ट्रेस का फॉर्मूला लेना हो तो पहले तो यंग मॉड्यूलस से स्टार्ट करते हैं। यंग मॉड्यूलस y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, तो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, राइट। चलो तो अगर इसमें से स्ट्रेस को सब्जेक्ट बनाए तो y इंटू क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। अभी स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, f बाय a, तो f बाय a f की जगह पे यहां पे हमने लिया है w बाय a। स्ट्रेस दोनों में सेम, कॉपर में और स्टील के वायर में दोनों में सेम टेंशन ऐसा बोला है, दैट मींस दोनों में स्ट्रेस क्या है सेम, इसलिए स्ट्रेस को यहां पे हमने सब्जेक्ट बनाया। चलो तो यहां पे y यंग मॉड्यूलस हो गया, राइट, और यहां पे डेल्टा एल बाय एल लिख सकते। अगर कॉपर के लिए लिखना हो कॉपर वायर के लिए तो w बाय a यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर एलोंगेशन ऑफ कॉपर एंड लेंथ ऑफ कॉपर। वैसे ही सेम अगर स्टील के लिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वाई एस डेल्टा एल एस और यहाँ पे क्या हो जाएगा एल एस। अभी ये दोनों तो सेम, ठीक है, तो यहाँ पे w बाई ए सेम होने की वजह से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं,
डेल्टा एल सी और एल सी, वाई एस डेल्टा एल एस और डिवाइड बाय एल एस। डेल्टा एल सी और डेल्टा एल एस को सब्जेक्ट बना दे तो वाई एस और एल एस होगा। चलो ए सामने गया तो एल सी डिवाइड बाय क्या होगा, वाई सी। चलो स्टील का यंग मॉड्यूलस उसकी वैल्यू होगी 2 × 10^11, ये फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, अभी देखो स्टील के लिए जो आपको लेंथ दी हुई है वो कितनी है, 1.6, तो ये हो गया 1.6। कॉपर की लेंथ है वो 2.2 है, 2.2। और वाई सी आपको मतलब कॉपर का जो यंग मॉड्यूलस है वो 1.1 × 10^11 कितना है, 11। चलो ये तो डायरेक्ट बेटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.5। कितना आंसर मिलेगा, 2.5। कैलसी में आप ट्राई कर देना। चलो अभी आपको नेट एलोंगेशन दिया हुआ है, दैट मींस डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस, वो आपके पास 0.7 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-3 हो जाएगा। तो अल्टीमेट आपको फाइंड इसमें से क्या करना है, लोड फाइंड करना है। मतलब वन काइंड ऑफ क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू फाइंड करना है इसमें से। ठीक है, तो हमारे पास देखो डेल्टा एल सी और डेल्टा एल एस की वैल्यू कंबाइन दोनों के सम के फॉर्म में है पर इंडिविजुअल नहीं है। तो इंडिविजुअल अगर निकालनी हो तो इसमें से ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा एल सी इज इक्वल टू ए सामने मल्टीप्लाई कर दो तो 2.5 × Δ Ls होगा। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, डेल्टा एल सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2.5 Δ Ls और डेल्टा एल एस 0.7 × 10^-3, तो ए हो गया 3.5 Δ Ls 0.7 × 10^-3 डेल्टा एल एस 0.7 × 10^-3 और डिवाइड 3.5। सो डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 0.7 × 3.5 0.2 × 10^-3। ये डेल्टा एल एस की वैल्यू है। यहाँ पे अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो डेल्टा एल सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो डेल्टा एल सी इज इक्वल टू 2.5 × डेल्टा एल एस की वैल्यू हमारे पास है 0.2 × 10^-3। ठीक है, 2.5 × 10^-3 ये मीटर के फॉर्म में होगी। ठीक है, चलो एलोंगेशन मिल गया दोनों का। चलो तो अभी लोड फाइंड करने के लिए फिर से फॉर्मूला लेते हैं। यहाँ पे कोई भी एक फॉर्मूला आप ले सकते हो, जैसे W बाय A, फिर से फॉर्मूला मैंने लिया वाई सी डेल्टा एल सी डिवाइड बाय एल सी, तो W इज इक्वल टू वाई सी इंटू ए को सामने मल्टीप्लाई कर डेल्टा एल सी डिवाइड बाय क्या होगा, एल सी। चलो कॉपर का यंग मॉड्यूलस यहाँ पे हमने लिया था 1.1 × 10^-11 पाई आर स्क्वायर आर मतलब हमें 1.5 मिलीमीटर दिया हुआ है तो 1.5 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10^-3 का होल स्क्वायर होगा तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। डेल्टा एल सी की वैल्यू हमारे पास है 0.5 × 10^-3 और एल सी की वैल्यू 2.2 है। ये पूरा आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको इसमें से लोड मिलेगा वो न्यूटन के फॉर्म में होगा। आंसर है 1.8 × 10^-2
कैसे में आप ट्राई कर देना कितना लोड आपको इस सब में से मिलेगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 9.2 कंप्लीट। 9.3 जो इलस्ट्रेशन है एकेडमिक ईयर 2021 के स्टूडेंट्स के लिए इलस्ट्रेशन क्या है, कैंसल। गुजरात बोर्ड के सिलेबस में 2020-21 के बच्चों के लिए ये क्या है, क्वेश्चन कैंसल। ठीक है, तो 9.4 सोल्व करते हैं। स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड, एक स्क्वायर है उसकी साइड दी है, मतलब लेंथ बोल सकते हैं उसको, कितनी है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-2 हो जाएगा, राइट। थिकनेस आपको दी है, थिकनेस मतलब टी लेते हैं, स्लैब की थिकनेस है 10 सेंटीमीटर। सेम मीटर में कन्वर्ट करेंगे -2 मीटर हो जाएगी थिकनेस। शियरिंग फोर्स, शियरिंग फोर्स आपको दिया है 9×10^4। शियरिंग फोर्स है 9×10^4 न्यूटन। द लोअर एज इज रिवर्टेड टू द फ्लोर, हाउ मच विल बी अपर एज बी डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अपर एज कितनी डिस्प्लेस्ड होगी, तो शियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो हमने कंसेप्ट देखा था उसमें जो चेंज इन लेंथ था उसको हम क्या बोलते थे, डेल्टा एक्स। तो जो इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा वो शियरिंग, शियर मॉड्यूलस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो शियर मॉड्यूलस में क्या था, शियर मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला था उसमें जी इज इक्वल टू एफ बाय ए डेल्टा एक्स बाय एल था, एल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। हमें एज कितनी डिस्प्लेस हो रही है वो फाइंड करना है, तो इन शॉर्ट आपको क्या फाइंड करना है, इसमें से डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। एज का डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ बाय ए एल डिवाइड बाय क्या होगा, जी। अभी एफ की वैल्यू तो है हमारे पास, चलो एरिया, तो हमें लेंथ दी हुई है और ये स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर होता है। तो 50×10^-2 का होली स्क्वायर करोगे तो 2500 10^-4 बनेगा, तो 2500 10^-4। जो यहाँ पे आपको जो लेंथ नहीं दी है बट क्या आपको दिया है, थिकनेस दिया हुआ है। ठीक है, कितना है आपके पास, सॉरी लेंथ भी है आपके पास, 50 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो यहाँ पे काम करते हैं कि पहले तो कैपिटल एल लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंबल लिया कैपिटल एल। तो 50×10^-2 और आपको शियरिंग स्ट्रेस दिया हुआ है वो है 5.6×10^9। कितना है, 5.6×10^9। ये पूरा आप कैलकुलेशन करोगे इसमें से, तो ये तो 0.5 बन गया और ये 5.6×10^9
ये सब का बेटा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.16 इंटू 10^-3, दैट मीन्स 0.16 मिलीमीटर जितनी एज क्या होगी, डिस्प्लेस्ड होगी। ठीक है, तो शियरिंग मॉड्यूलस का ही फॉर्मूला इसमें आपको यूज करना है। चलो 9.5 जो है सम, सब में आपको आप हिंट प्रोवाइड कर देते, 9.5 में आपको जो यूज करना है वो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे मैं हिंट लिख देता हूँ, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला था B इज इक्वल टू -P डेल्टा V बाय V। पर डायरेक्टली आपको ये जो P है, P मतलब प्रेशर नहीं दिया हुआ है, इसलिए प्रेशर का जो फॉर्मूला होगा वो आपको इसमें से लिखना होगा रो जी एच। ये चैप्टर नंबर 9 में डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला जस्ट आपको इसमें अप्लाई करना है, -ρgh और ए सब सेम रहेगा, डेल्टा वी डिवाइड बाय वी, और आपको इसमें फाइंड करना है डेल्टा वी बाय वी। तो यहाँ पे जो माइनस नोटेशन है उसको इग्नोर कर दे, एलिमिनेट नेगेटिव साइन, राइट। अभी ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, ये वैल्यू आप पुट करोगे इसमें रो जी एच और बी की वैल्यू, ठीक है, तो आपको सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। और याद रखना उसमें वाटर की डेंसिटी जो है, मतलब ये रो जो है उसमें वाटर की डेंसिटी आपको लेनी है 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। ये याद रखना है, वाटर की डेंसिटी फिक्स होती है 10^3 मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर इसको परसेंटेज में फाइंड करना हो तो जो भी आंसर लास्ट में आता है उसको 100 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सारे इलस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर, नेक्स्ट टाइम से एक्सरसाइज के हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।